आज हम जिन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, उनका नाम है अकबर और बिरहम खान। अकबर मुगलों का तीसरा बादशाह था। उनके पिता का नाम हुमायूं था। उनका जन्म 1543 में हुआ था और सिर्फ 13 साल की उम्र में हुमायूं के मरने के बाद वो मुगलिया सल्तनत का बादशाह बना। बादशाह बनने के ठीक कुछ समय बाद उनको ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अफगान रूलर्स मुगलों के कट्टर दुश्मन थे और वो इस छोटे से बादशाह को हटाकर दोबारा से अफगान शासन हिंदुस्तान में लाना चाहते थे। उन्होंने हेमू को अपना सीपे सलार चुना और इस हुमायूं के साथ अकबर की सेना का युद्ध हुआ, जिसे पानीपत की दूसरी लड़ाई भी कहा जाता है, जो कि 1556 में हुई थी। अकबर के सेनापति का नाम बिरहम खान था, जो अकबर का मेंटर या फिर गार्जियन एंजल था। युद्ध बिरहम खान को अगुवाई में लड़ा गया और उसने ये डिसाइड किया था कि अगर वो युद्ध में हारने लगते हैं तो अकबर को कुछ ट्रस्टेड सोल्जर्स के साथ सेफ जगह पहुंचा दिया जाए। पानीपत की खुखार लड़ाई में हेमू को सफलता मिल रही थी, लेकिन बदकिस्मती से एक तीर हुमायूं की आंख में लग गया और वो अपने हाथी से नीचे गिर गया। अपने सेनापति को नीचे गिरते देख हेमू के खेमे में खलबली मच गई। उनके सेनाओं को लगा कि हेमू मर चुका है और वो सब युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। हेमू को बिरहम खान के सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें अकबर के सामने लाया गया और बिरहम खान ने अकबर को उसे मारने के लिए कहा। बिरहम खान चाहते थे कि अकबर हेमू को अपने हाथों से मारकर अपने दुश्मनों को एक एग्जाम्पल दे, ताकि फ्यूचर में कोई भी उससे बगावत ना करे। लेकिन अकबर ने ये कहकर हेमू को मारने से मना कर दिया कि ये जख्मी है, हारा हुआ है और हारे हुए आदमी के ऊपर मैं कभी तलवार नहीं चलाऊंगा। उसके बाद बिरहम खान ने हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। पानीपत की विजय के बाद अकबर का मुगल राज्य स्थापित तो हुआ, पर उसका शासन बिरहम खान के हाथों में रहा। बिरहम खान अकबर के छोटे होने की वजह से राजकाज खुद संभाल रहे थे और ये बात अकबर की माँ और हुमायूं की और बीबियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके अकबर और बिरहम खान के बीच में फूट पड़वा दी। अकबर ने रातों रात मुगल साम्राज्य की सत्ता अपने हाथों में ले ली और बिरहम खान को कहा कि आप हज पर निकल जाएं। बिरहम खान जाने को तैयार हो गए और वो चले भी गए, लेकिन अकबर ने कुछ सैनिक उसके पीछे भेजे ताकि ये चीज कंफर्म हो जाए कि बिरहम खान सचमुच चले गए हैं। ये बात बिरहम खान को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अकबर से युद्ध करने की ठान ली। अकबर को बिरहम खान की सेना अब एक दूसरे से युद्ध करने को तैयार थी, लेकिन बिरहम खान ने ये इच्छा प्रकट कर दी कि वे अकबर से मिलना चाहता है। अकबर ने उसे मिलने की अनुमति दे दी। जब वो अकबर के सामने आए तो उसने अकबर को सलाम किया और उसके सामने उसके साथ हुए अन्याय की बात की और उसकी आंखों में आंसू निकल आए। इतना सुनते ही अकबर जल्दी से उठा और बिरहम खान को गले से लगा लिया। बिरहम खान को अकबर ने बहुत इज्जत बख्शी और उन्हें वापिस सेनापति या वजीर बनने की पेशकश उनके सामने रखी, पर बिरहम खान ने ये बात ना मानी और अकबर से कहा कि अब मैं हज पे जाना चाहता हूँ। अकबर ने उनकी बात मान ली और उन्हें हज जाने की अनुमति दे दी। हज जाते समय बिरहम खान को एक अफगान सैनिक ने मार दिया। जब अकबर को इस चीज का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उसने उनके परिवार को वापस बुला लिया और उनके परिवार को अपना लिया। इस बिरहम खान के लड़के का नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था, जो बाद में
अकबर के दरबार का एक नवरत्न बना। आई होप आप सबको अकबर और बेरहम खान के ये किस्से अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप सबको हिस्ट्री के और किस्से कहानियाँ सुनाते रहें।